हेलो गाइस, वेलकम टू नेहाज क्लासेस। मैं नेहा, जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट वन, आई होप सो आप सबने पार्ट वन तो देख ही ली होगी। तो हमने जैसे पार्ट वन में पढ़ा था अपवाह क्लास 9 की बुक से, भूगोल की, ज्योग्राफी की, चैप्टर 3 था हमारा अपवाह। तो हमने ये इसके कुछ नोट्स जो हमने रीड भी करे और इसके बुक में से इसके नोट्स बनाए, और मैंने आपको बता भी दिया कि जो ये हिमालय की नदियां हैं वो, और उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। हमने मैप में भी देखा था कि गंगा कहाँ से कहाँ तक बहती है ना। आई नो आप अच्छे बच्चे हो, आप कैसे भूल सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानंदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पूर्व की ओर से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं। कौन कौन सी दो बड़ी नदियाँ हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नर्मदा एवं तापी, नर्मदा भी है, ठीक है। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, ठीक है। कैसी हैं ये आकार में, छोटी हैं। अब है नर्मदा द्रोणी, अब हम पढ़ेंगे इसी का ही एक टाइप, नर्मदा द्रोणी। ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इनमें से हम दो दो तीन तीन लाइन भी लिख देंगे ना तो कोई हमें अपने नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हम इनमें से छाट के दो दो तीन तीन लाइन लिख लेंगे। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो हमें लिखना पड़ता है ना भाई कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने का के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वह धुआंधार प्रांत का निर्माण करती हैं। ये भी आ सकता है भाई, है ना। नाउ नेक्स्ट, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। ये लिख लोगे तो अच्छा होगा, है ना, कितना पॉइंट है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा दोनों मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों में विस्तृत है। एक मिनट गाइस, नर्मदा धोनी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विकसित है। तो पूछने लगते हैं कि नर्मदा नदी अब कहाँ का विकसित है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, सो नेक्स्ट इज तापी द्रोणी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। लेकिन लंबाई में कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश के राज्य में है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों
की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें ये नदियाँ बहती है। गोदावरी द्रोणी। अब नेक्स्ट क्या है हमारी? गोदावरी द्रोणी। अब हम गोदावरी द्रोणी को पढ़ेंगे। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी है, तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती हैं और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। नाम तो आप सब ने बहुत सुना होगा, गोदावरी है ना। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसमें। तो इसकी द्रोणी महाराष्ट्र है। नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जैसे पूर्णा, वृद्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी जितने हैं ना, सारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, पूरी को अंडरलाइन कर ले, एक एक पॉइंट इसका बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी मानोगे तो प्लीज़ इसे कंप्लीट पढ़ना और इसको कंप्लीट याद करना। ये गोदावरी एग्जैक्टली हर बार आता है। ठीक है, अब है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई, इसकी लंबाई अब हमें मैटर नहीं करती। ठीक है, इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में है। यस, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कृष्णा द्रोणी। अब अगली है हमारी कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट तक स्रोत से निकलकर, बस यहीं से निकल तक, ओ सॉरी, महाराष्ट्र के निकलकर कृष्ण लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। सारी बंगाल की खाड़ी में गिरी है। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ के नाम आप याद कर लीजिए। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अगला है हमारी कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखलाओं से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विकसित है। एक बार सबकी सहायक नदियां ज़रूर पढ़ लेना आप। ओके, अब है इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वेतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। ओके, कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? झीलों के बारे में। अब पहले मेरे को बताओ, झील और नदी में क्या डिफरेंस है? झील क्या होती है, नदी क्या होती है? चलो अब हम झील के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ हम इसे नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकार से तो आप परिचित ही होंगे, है ना। तो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटकों का मतलब होता है टूरिस्ट। तो ये क्या करती है, टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा, है ना। जैसे बोटिंग करते हैं ना, राफ्टिंग, बोटिंग, स्विमिंग। ठीक है, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, मतलब टूरिस्ट प्लेस पर, पर्यटन मतलब टूरिस्ट, झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? आजकल लोग क्या क्लाइमेट देखकर वहाँ पे जाते हैं ना,
अगर वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा तो ही वहाँ पे जाएंगे। ये सब झील तो आप मेरी मानो तो झील को तो आप पूरा अच्छे से रीड कर लो, झील मेरे को लगता है डेफिनेटली आएगी। ठीक है, झील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं आपको रीड करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन झील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलें का क्या महत्व है? कभी आपने सोचा है टूरिस्ट ऐसी जगह पर क्यों जाते हैं जहाँ पर झीलें वगैरह हो, ऐसी जगह पर ज़्यादातर क्यों जाते हैं? ओके, जैसे लोग क्लाइम वहाँ के वातावरण इन्वायरमेंट को देख कर ही जाते हैं ना। कोई कोई लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, सिर्फ झीलें और पक्षियों की आवाज़ आए, है ना। टूरिस्ट प्लेस ऐसी बहुत ज़्यादा जाते हैं। पर्यटकों के आकर्षक के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झील का महत्व है। झील का टूरिस्ट के अलावा हम नॉर्मल लोगों के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। सब में इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये झील का कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ झील में क्या होता है कि पानी क्या होता है जमा हो जाता है, लेकिन नदियों में क्या होता है कि नया नया पानी आता रहता है। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि गंगा नदी में क्या होता है बर्फ़ की जो श्रृंखलाएँ हैं ना वो पिघलकर नया पानी आता है ना, क्या होता है वो पानी आता है। लेकिन झील में क्या होता है पानी ना कई कई दिन का कलेक्ट हुआ रहता है, कई कई साल का। ठीक है, सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। यह एक दूसरे से आकर तथा अन्य आकार तथा अन्य लक्षणों में अलग अलग तरह की झील होती है ना, बहुत तरह के। जैसे एक सुल्तानपुर लेक आपने सुनी होगी, गुरुग्राम में है सुल्तानपुर लेक, जहाँ पर अलग अलग जगह से पक्षी आकर अकॉर्डिंग टू द सीज़न पक्षी आते हैं ना। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ कुछ कैसी होती हैं सिर्फ रेनी सीजन में ही उनमें पानी आता है, बारिश आएगी तो उनमें पानी कलेक्ट होगा वरना नहीं होगा। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाले झीलें जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झील एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है जबकि अन्य जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियां एवं मानवीय क्रियाकल्पों के कारण हुआ है। जैसे एक विसर्प बड़ी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, सीजन के हिसाब से होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें से क्या लेते हैं नमक लेते हैं ना, नमक के निर्माण इस नमक के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी का अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में कैसी मीठे पानी वाली झीलें होती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर जाती हैं। ठीक है, बाद में बर्फ़ वगैरह पिघलने से क्या हो जाती है वो भर जाती हैं, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए हिमाली मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर लेक, तो आपने सुना होगा ना, वुलर लेक बहुत बड़ी लेक है। तो जो कहाँ है जम्मू तथा कश्मीर की वुलर लेक भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। ये सबसे बड़ी झील है जिसमें मीठा पानी होता है। ठीक है, डल झील, भीमताल, नैनीताल,
लोकताक तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, ये कुछ अन्य हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर बाखंडा नंगल परियोजना। ठीक है, एक मिनट। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है ना, लोगों के लिए। एक झील नदी के बहाव के सुचारू बनने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं, है ना। इनमें क्या होता है, बहुत गहरी होती हैं, तो अगर मे भी बाढ़ आ जाती है तो झीलों में पानी चला जाता है ना, तो ये क्या करती है, बाढ़ को कंट्रोल कर लेती हैं। तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। यह जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, और टूरिस्ट को भी वहाँ पे उसको उसकी सुंदरता और साइलेंस वगैरह देखने दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं, तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। अब है नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। अब हम ये पढ़ेंगे, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकल्पों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। पहले सब गांव थे, लेकिन अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, लोग तरक्की करने लगे, तो क्या बन गए, गांव से अब सिटी बन गई, विलेज से अब सिटी बन गई। यस, अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार की, अब राज्य के सूची तैयार की जो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविक के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। Yes. तो अब एक योजना है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के स्थान प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इसकी एक वेबसाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं, लेकिन बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रभाव में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहर की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पहले हम इनमें से इम्पोर्टेंट नोट्स ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट हैं। अब है एक इम्पोर्टेंट ये भी है,
नदियों के बढ़ते प्रदूषण स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। अगर हम स्वच्छ या फिर साफ पानी ही नहीं पिएंगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, है ना? तो हमारा चैप्टर इधर अब कंप्लीट होता है। नोट्स मैंने आपको बिल्कुल आसानी से इजी से बता दिए हैं। अगर आपको चैप्टर को समझना है तो आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए, उनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इससे रिलेटेड आपके लिए कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और वरना थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर।